आप सभी का स्वागत है प्लांट्स एंड फ्लावर्स में। फरवरी का महीना खत्म होने वाला है। मैंने अपने एडेनियम के सभी प्लांट्स पॉट से निकाल दिए थे और वह रिपोर्ट भी कर दिए हैं, और आप भी अपने एडेनियम प्लांट्स रिपोर्ट कर चुके होंगे। हमारे यहाँ पर अभी भी मौसम ठंडा है, अभी गर्मी पड़ना शुरू नहीं हुई है। जिन्होंने अभी अपने एडेनियम प्लांट्स पॉट से निकालकर रिपोर्ट नहीं किए हैं, वह अभी भी प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। इस समय ज़्यादा लंबे समय तक प्लांट को पॉट से बाहर नहीं निकाल के रखना है। इस मौसम में 7 से 10 दिन काफ़ी हैं। अगर रूट रॉट हो गया है तो वह पार्ट कट करके फंगीसाइड पाउडर लगाकर पार्ट अच्छे से ड्राई होने पर ही रिपोर्ट करना है। प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है और बहुत सारी फ्लावरिंग भी होती है। प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद जब तक प्लांट में ग्रोथ ना हो तब तक कोई भी ऑर्गेनिक या किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए, और जब प्लांट में ग्रोथ होना शुरू हो जाए तब आप अपने प्लांट में स्प्रे भी कर सकते हैं और फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। रिपोर्टिंग के 10 से 15 दिन बाद प्लांट की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, तब आप प्रोनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक ग्रोथ नहीं हो तब तक प्रोनिंग भी नहीं करनी चाहिए। प्रोनिंग करने के 3-4 दिन बाद किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या फिर सीवीड फर्टिलाइज़र का आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे प्लांट पर करने से नई ग्रोथ जो होती है वह काफ़ी हेल्दी और मोटी होती है, और उस पर जल्द ही पत्तियां और फ्लावरिंग होती है, और नॉर्मल न्यू जो ग्रोथ होती है वह काफ़ी पतली होती है और उस पर भी पत्तियां आती हैं और फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आप स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मेरे एडेनियम के प्लांट में कुछ में तो ग्रोथ हो रही है और कुछ में अभी नहीं ग्रोथ हुई है, और कुछ में तो डायरेक्ट कलियां ही बन रही हैं। रिपोर्टिंग करने के बाद इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, प्लांट में पहली बार फुल वाटरिंग करें, उसके बाद दोबारा वाटरिंग तब करें जब उसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाए। अगर ज़्यादा गर्मी है और ग्रोथ नहीं हुई है और प्लांट में पानी सूख गया है तब आप उसमें थोड़ा पानी दे सकते हैं। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग करने से प्लांट में नई ग्रोथ होने में ज़्यादा समय लगता है, और जब ग्रोथ शुरू हो जाए उसके बाद आप प्लांट में 1 से 1.5 इंच तक मिट्टी सूखने पर पानी दे सकते हैं, या अपने एरिया के टेम्परेचर के हिसाब से पानी कम ज़्यादा दे सकते हैं। एडेनियम प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद 1 दिन छोड़ के अगले दिन फुल सनलाइट में रख देना चाहिए। अब बात करते हैं एडेनियम प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉट कौन सा रहता है। एडेनियम के लिए प्लास्टिक, सेरेमिक, सीमेंट या फिर मिट्टी के पॉट में से सबसे बेस्ट पॉट मिट्टी के रहते हैं। आपके प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम है और आपकी सॉइल वेल ड्रेन है और मिट्टी के पॉट में प्लांट लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक वह ठीक हो जाएगा, या फिर उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बढ़ सकेगी। और अगर आपका प्लांट सेरेमिक पॉट या प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है और मिट्टी में लगा हुआ है तो आपका प्लांट ठीक नहीं होगा और वह खराब भी होने की संभावना रहती है। अगर आप एडेनियम के प्लांट के लिए प्लास्टिक और सेरेमिक पॉट का यूज़ करना चाहते हैं तब उसमें आप कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं, उससे प्लांट खराब भी नहीं होगा और आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा। और आपका प्लांट भारी है और उसमें नहीं रुक पा रहा है तो आप सपोर्ट के लिए पत्थर के टुकड़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट में जब आप प्लांट लगाते हैं उसके 6 महीने में आपको कोकोपीट चेंज करनी पड़ती है। हर 6 महीने में हर बार
चेंज करनी होगी, जिससे हमारा प्लांट सेफ रहता है। अगर आप हर 6 महीने में कोकोपीट चेंज नहीं कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा आपको वेल ड्रेन सॉयल का यूज़ करना और मिट्टी के पॉट का यूज़ करें। कोकोपीट एक ऑप्शनल सॉयल मिक्स होता है जो आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। अगर आपको नॉर्मल सॉयल नहीं मिल रहा है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनको अडेनियम प्लांट का शौक है लेकिन उन पर अडेनियम प्लांट ख़राब हो जाते हैं, उनके लिए भी कोकोपीट बेस्ट ऑप्शन है। जो अडेनियम के प्लांट का बॉटम में प्रॉब्लम आ गई हो उनके लिए भी कोकोपीट बेस्ट ऑप्शन है। और अडेनियम की कटिंग लगाने के लिए कोकोपीट बेस्ट ऑप्शन है, इसमें रूट की अच्छी ग्रोथ होती है और जब रूट बन जाएं तब आप उनको सॉइल में रिपोर्ट कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर अपने पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं और उनके बाद प्रूनिंग भी कर सकते हैं। जल्द ही आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर लें और उनके बाद मार्च और अप्रैल में अपने पौधों पर ढेर सारी फ्लावरिंग का आनंद लें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।